आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। 24 घंटे के भीतर बैकफुट में आए करण महरा, गढ़वालियों पर दिए बयान पर मांगी माफी, कहा खेद जताते हुए उपवास करूंगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर गढ़वाल के लोगों पर दिए अपने बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने आखिरकार क्षमा याचना मांग ली है। बढ़ती राजनीति और बीजेपी के रवैये से सजग करण महरा ने आज इस मुद्दे पर माफी मांग ली। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कहा कि वो उपवास पर भी बैठेंगे, क्योंकि पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला, उनके दोषियों को बचाया जा रहा है। क्योंकि मैंने कोर्ट में लोग भेजे हैं, पुलकित ने अपनी जमानत की अर्जी लगाई है और उसका अध्ययन करने के बाद और जो असली तथ्य है उनमें वकील से बात करने के बाद मैं ये अपना एक दिन का उपवास रखना है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मेरे संबोधन में ऐसे सारी चीज़ें सही है। 5 सेकंड के एक वीडियो को जारी करके अंकिता बहन की इस लड़ाई को कमज़ोर किया गया और मेरी गलती की वजह से आज बीजेपी के वो लोग जो अंकिता को न्याय दिलाने के लिए एक शब्द नहीं बोले, वो बहन जो अंकिता को न्याय दिलाने के लिए घर से बाहर नहीं निकली, मुंह बंद करके बैठी थी, उसको भी आज बोलने का मौका मिला। इस दोष को मानते हुए, अपनी गलती को स्वीकार करते हुए मैं एक दिन का उपवास रखूंगा और जिन लोगों को मेरे शब्द से तकलीफ हुई है उसके लिए भी माफी मांगते हुए मैं इस उपवास को समर्पित करूँगा। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान एक दिन पहले सोशल मीडिया में अचानक वायरल हो गया। करण महरा ने इसे एडिटेड वीडियो बताया और कहा कि कांग्रेस के कुछ लोगों द्वारा साजिशन वीडियो जारी किया गया है। करण महरा के बाद पूर्व सीएम भुवन चंद खंडूरी के पुत्र मनीष खंडूरी ने भी गढ़वालियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, वो वीडियो भी वायरल हुआ। ऐसे में ये मामला कांग्रेस के गले की फांस बनता दिख रहा है। यही कारण है कि करण महरा ने बिना देर किए माफी मांग इस मामले को ठंडा करने की कोशिश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।